कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कई त्यौहार ऐसे रहे जो कोरोना की जद में आए। दशहरा भी कोरोना की जद में है। मुरादाबाद प्रशासन के इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो दर्शक हैं रावण दहन के टाइम पर दर्शकों की भीड़ यहां पर इकट्ठी है। हज़ारों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे, हालांकि सोशल डिस्टेंस का ज़रूर वायलेशन है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसी का पालन करते हुए यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे। कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंस का वायलेशन ज़रूर है, लेकिन बच्चे भी यहाँ पर ये जान रहे हैं, बड़ों के साथ ये पहचान रहे हैं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि मास्क नहीं है, लेकिन छोटे सारे बच्चे ने अपने चेहरे को, अपने मुंह को एक हाथ से ढक रखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर जो रावण दहन है वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और रामलीला मंचन कमेटी की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। पुलिस बैरिकेडेड यहाँ पर लगाई गई है, पूरा सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, और जो पूरा इलाका है वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, यानी कि अगर कोई भी उपद्रवी या कोई भी शरारती तत्व किसी तरह की कोई हरकत करता है तो वो कैमरे में कैद हो जाएगा। कुल मिलाकर मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से रावण दहन के मौके पर इंतज़ाम बखूबी पूरे किए गए हैं। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।